जैसे अल्लाह फरमाता है जो अपनी नमाजों से गाफिल हैं कुछ पढ़ लोगे तुम नमाजा ही कहते रहते हो हमारे बच्चे कहते। अल्लाह ने फरमाया उनके लिए तबाही आए जो अपनी नमाजों से गाफिल हैं, अभी नहीं नजर आ जाएगी। दिन ब दिन परेशानियों में इजाफा होता है जब बंदा सजदे से भागता है। और मैंने पढ़ा कि जब इंसान कब्र में दाखिल होता है सबसे पहले उसकी ज़ियारत नमाज से होती है। उसने जो नमाज पढ़ी थी, माँ घर में रह गई, बाप कब्र के ऊपर है, दोस्तों ने मट्टी डाल दी, रिश्तेदारों ने इन्ना लिल्लाह पढ़ के जनाजा पढ़ा तो चले गए तेरी, और बैंक अकाउंट बैंक में रह गया, गाड़ी खड़ी है, चाबी घर में रह गई, अब कोई स्टार्ट करने वाला, तो सारी नेमतें इधर कब्र में गए, बाहर सारी चीज़ें रह गई। फरमाया कब्र में जब जाता है तो उसकी नमाज से मुलाकात होती है और उसकी नमाजें उसको घेर लेती हैं। तो हम किस जायदाद की फिक्र में पड़े हुए हैं, वो जी टाइम नहीं मिला, नमाज कज़ा हो गई है। सो बिरादरान इसकी तरफ तवज्जो करनी है।